बिहार के शिक्षा मंत्री, जी हाँ शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री जिस पर राज्य को एजुकेट करने का दायित्व होता है, उसने श्री रामचरितमानस पर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद कोई पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ लेकिन उसका खून खोल जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मुताबिक श्री रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस के कुछ दोहे पढ़ते हुए इस आदमी ने यह बकवास बात मीडिया के सामने रखी। अब हैरानी वाली बात यह है कि जिस श्री रामचरितमानस को ये चचा नफरती ग्रंथ बता रहे हैं, उसे भले ही तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया हो लेकिन उसे बनाया उसी रामायण के द्वारा गया है जिसके रचयिता स्वयं महर्षि वाल्मीकि हैं। वो महर्षि वाल्मीकि जिसे हमारे अपने दलित भाई भगवान वाल्मीकि भी कहा करते हैं। यही नहीं, हमारे देश के पिछड़ों में एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने जन्म से मृत्यु तक अपने शरीर पर राम नाम का टैटू गुदबाते रहते हैं, जिन्हें हम लोग राम नामी समाज के नाम से जानते हैं। हम लोग तो ऐसे देश में रहते हैं जहां दो अजनबी भी मिलने पे राम राम कहते हैं और किसी के जाने पर राम नाम सत्य है। तो राम नाम किसी को लड़ाने का, किसी में फूट डालने का नाम नहीं, लोगों को जोड़ने का नाम है। और ऐसे ही राम के नाम को चरितार्थ करते हुए श्री रामचरितमानस को लिखा गया था। पर या तो ये आदमी अपने नेता लालू यादव की तरह चारा खा खाकर गोबर करने का आदि हो चुका है या फिर इसको दुनियादारी की समझ नहीं है। बिहार के जाहिल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आधा अधूरा दोहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सफल ताड़ना के अधिकारी पढ़ा और घोषित कर दिया कि रामचरितमानस में शूद्र यानी दलितों को पीटने को कहा गया है। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी और बाकी पढ़े लिखे लोगों ने जब इसे पूरा दोहा पढ़ने को और पोस्ट करने को कहा और पूरी सच्चाई लोगों के सामने रखी तो इसकी बोलती बंद हो गई। बोलती बंद हो गई क्योंकि पूरे दोहे में सभी को शिक्षा पाने पर जोर दिया गया है, ना कि किसी के साथ मारपीट पर। फिलहाल लालू के जाहिल मंत्री पर FIR दर्ज हो चुकी है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। जयराम जी की।